हेलो फ्रेंड्स, तो बिहार पॉलिटेक्निक के जितने भी छात्र हैं फ्रेंड्स, उनका लगातार मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर मेरा जो है एग्ज़ाम का डेट तो बढ़ गया है, तो उस एडमिट कार्ड का क्या होगा, क्या एडमिट कार्ड नया आने वाला है या फिर उसी एडमिट कार्ड से जो है आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको डिटेल में क्लियर करने वाला है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स एक जो है ओपन किया, क्या ऑफिशियल नोटिस का, ये जो बोर्ड की तरफ से आया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ा जानकारी है फ्रेंड्स, बिहार पॉलिटेक्निक के लिए 500 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किया गया है। 500, ठीक है फ्रेंड्स, 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक पीडीएफ तैयार किया गया फ्रेंड्स, जिसमें आपको क्या क्या विशेषता मिलने वाला है। इसमें सभी चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ में मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें अति संभावित प्रश्न, अति संभावित जिसका सबसे ज़्यादा संभावना हो 2022 में पॉलिटेक्निक एग्जाम में आने का, वैसे वैसे क्वेश्चन को फ्रेंड्स छाट कर लाया गया है। मात्र 49 रुपये फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं, मात्र 49 रुपये फ्रेंड्स, हजारों बच्चे ले चुके हैं, तो आप पीछे मत हटिए 49 रुपये के लिए, ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स आपका तैयारी अच्छा नहीं है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा फ्रेंड्स, फिजिक्स का मिलेगा क्वेश्चन 250 और केमिस्ट्री का मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप इतना तैयारी करके जाते हैं तो आपका तैयारी काफ़ी बेहतर हो जाएगा और आपको काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पे मैंने ऑफिशियल नोटिस को फ्रेंड्स ओपन किया है। यहां पे दो नंबर पर आप पढ़ सकते हैं कि पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथि के लिए निर्गत एडमिट कार्ड, कहने का मतलब जो पहले परीक्षा तिथि जो है निर्गत किया गया था, निर्धारित किया गया था, और उसका जो एडमिट कार्ड ही पुनर्निर्धारित परीक्षा हेतु वैध रहेगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स जो पहले वाला एडमिट कार्ड आया था, वही एडमिट कार्ड जो है एक नया जो डेट बढ़ाया गया फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम डेट के लिए, जो है पहले वाला ही एडमिट कार्ड निर्धारित रहेगा, ठीक है। अब जो है दोबारा डाउनलोड करने का कोई आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, जो पहले एडमिट कार्ड आप ले चुके हैं, जो डाउनलोड कर चुके हैं, उसी एडमिट कार्ड से आपका परीक्षा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही अपडेट था। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।